आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। ये पास्ता बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में झटपट इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े हो, सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप पास्ता। तो मार्केट में बहुत तरह का पास्ता मिलता है, तो अगर आपके पास जो भी पास्ता हो उससे भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पास्ता को उबाल लेती हूँ। उसके लिए मैंने गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और पानी में मैंने कुछ नहीं डाला है, ये नॉर्मल पानी है। पानी गर्म हो गया तो पास्ता को मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसमें नमक और तेल डालकर उबाल करते हैं तो आप उसे भी बॉयल कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से इसे बॉयल करती हूँ। टेस्ट में कोई भी आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा, टेस्ट आपको वैसा ही आएगा। तो जो आपको ईजी लगे फ्रेंड्स, वैसे भी आप इसे बॉयल कर सकते हैं। तो पास्ता यहाँ बॉयल हो गया है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। ठंडा होने के बाद मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रखा है। 2 चम्मच इसमें मैंने तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें शिमला मिर्च डाला है बारीक कटा हुआ, और 1 मिनट के लिए मैं इसे मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए मिला दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और गोलकी का पाउडर। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालूँगी, और इसे भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। और 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन से इसे ढक देती हूँ ताकि पत्ता गोभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, तब मैं इसे मिला लेती हूँ और बिल्कुल ये रेडी हो गया है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, और सेम मैंने पैन लिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। घी की जगह आप बटर भी आप डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा डाला है। मैदा को 1 मिनट के लिए मैं मीडियम गैस पर भूंज लेती हूँ। तो इसमें से अच्छा सा खुशबू आने लगा है, तब मैं इसमें दूध को डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने दूध को डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा गोलकी का पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ, और इसे भी मैं मिला लेती हूँ। और मैं इसमें डालूँगी भुंजा हुआ मैंने जो सब्ज़ी रखा वो मैं डाल देती हूँ, और साथ में मैं डालूँगी पास्ता को। तो दोनों को 2 मिनट के लिए मिलाते हुए पका लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, ये देखिए। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितना दिखने में अच्छा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मेरे घर में तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस रेसिपी को एक बार प्लीज़ मेरे तरीके से ट्राई करके घर पर ज़रूर देखिएगा, आपको भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।